हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर सिक्स मेजरमेंट पढ़ेंगे मेजरमेंट मिस होता है मापन लेंथ मापन किसका करते हैं लेंथ यानी कि लंबाई का तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से मापन करते हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे लेट्स प्ले सम गेम चलिए कुछ गेम खेलते हैं कलेक्ट दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स कैप ऑफ अ स्मॉल बॉटल मैच बॉक्स अ पीस ऑफ टाइल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक बॉटल का ढक्कन माचिस का डिब्बा और एक टाइल यानी कि जो टाइल्स होता है या जो कोई भी पत्थर है उसका एक टुकड़ा आप ले सकते हैं उन चीज़ों को आपको अपने दोस्तों की सहायता से कलेक्ट करना है यानी कि एकत्रित करना है नाउ मैक अ मार्ग ऑन द ग्राउंड एंड पुट वन ऑफ दिस थिंग ऑन इट अब ग्राउंड पे एक क्या करना है आपको एक मार्क यानी कि एक आ, मतलब मार्क निशान एक डाल लेना है और वहाँ पे इन सब चीज़ों को रखना है एक एक करके नाव हीट द आइटम विथ योर फिंगर अब अपनी उंगली की सहायता से इनको हीट करना है ठीक है मारना है मार्क द प्लेस विथ अ चॉक वेयर द आइटम स्टॉप्स स्टॉप्स अब क्या करना है आपको जब आप उसको मारेंगे उस सामान को ठीक है उस आइटम को जब उंगली की सहायता मारेंगे तो वह कहाँ तक जा करके स्टॉप होता है कहाँ तक जा करके रुकता है उसको आपको मेजर करना है और वहाँ पे एक मार्क कर देना है यानी कि एक निशान करना है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन बॉथ द मार्क्स एंड राइट इन द फॉलोइंग टेबल अब दोनों के बीच की जो दूरी है उसको माप करके आपको इस टेबल में लिख देना है तो मैंने यहाँ अपने से लिखा हुआ है नेम ऑफ द प्लेयर प्लेयर का नाम मान लीजिए पहला आप लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे मैंने यहाँ पे अपने से लिखा हुआ है फर्स्ट राम ले लिए फर्स्ट अटैम्प में कितना सेंटीमीटर तक उसका जो आ, समान था हो गया ट्वेंटी सेंटीमीटर सेकेंड अटैम्प में ट्वेंटी टू तो। इस प्रकार से इन दोनों को भी लिखेंगे आगे है लेट्स डू लॉन्ग जंप यानी कि चलिए लंबी कूद करते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास गो टू फील्ड विथ योर टीचर सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ फील्ड पे जाते हैं ड्राओ अ लाइन ऑन द फील्ड अब जाकर के फील्ड में क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे एवरी स्टूडेंट डस लॉन्ग जंप बाय टर्न और सभी स्टूडेंट वहाँ जो लाइन खींचा हुआ है वहाँ से लॉन्ग जंप करेंगे मीजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय इच स्टूडेंट बाई मीटर स्केल एंड सो इट टू योर योर टीचर अब क्या करेंगे प्रत्येक जो स्टूडेंट हो वो इस प्रकार से लॉन्ग जंप करेगा तो उसको मीटर की सहायता से मीटर स्केल की सहायता से उसको क्या करना है मापना है द स्टूडेंट वो जम्प्स द लॉन्गेस्ट विल बी द विनर और जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ा लॉन्ग जंप करेगा वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा विनर बन जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है और उसने कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर तक लॉन्ग जंप किया उसको लिखना है फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप करेगा वो हो, क्या होगा विनर होगा तो इसको आप लोग करेंगे गैस एंड राइट द लेंथ ऑफ द थिंग्स रिटर्न इन द टेबल यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनका लेंथ आपको क्या करना है पहले गैस uh, करना है उसके बाद उसको मेजरमेंट के मतलब नापने के बाद यहाँ पे लिखना है मेजरमेंट करने के बाद जैसे कि बुक बुक का हमने क्या लिखा है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये हमें मान करके लिखा है और उसका एग्जैक्ट लेंथ जो है उसको इस प्रकार से स्केल की हेल्प से मेजरमेंट करेंगे तो टोटल जितना आएगा उसको लिखेंगे देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है ये इसको इस प्रकार से रखेंगे तो ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर पेंसिल की हेल्प से लिखेगा फिर है स्लेट स्लेट हमने कितना माना एटीन सेंटीमीटर हम लोग माने हैं और उसको जब हम लेंथ को मेजरमेंट करेंगे किसकी सहायता से स्केल की सहायता से ठीक है मीटर स्केल की सहायता से भी कर सकते हैं या सेंटीमीटर स्केल की सहायता से उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उस प्रकार से आप लोग अपना रबर पेंसिल कोई सा को भी रस्सी लेंगे डोर और टेबल इन सबको भी मेजरमेंट करके टेबल को फिलअप करेंगे नाउ टैग वन मीटर स्केल और मेजरिंग टेबल टैब यूज बाय टेलर टेलर से एक मेजरमेंट स्केल लेना है मीटर स्केल लेना है मेजर ऑल द थिंग्स वन बाई वन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड राइड दैम इन द टेबल और मेजरमेंट करके यहाँ पर टेबल में उसको लिखते जाना है यू हैव रीड इन क्लास थर्ड आपने क्लास थर्ड में पढ़ा हुआ है कि वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक उसी को उल्टा करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर लेट्स कन्वर्ट फोर मीटर्स इंटू सेंटीमीटर चलिए फोर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फोर मीटर को क्या लिख सकते हैं वन मीटर प्लस वन मीटर प्लस वन मीटर प्लस वन मीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये भी क्या हो जाएगा हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर एंड हंड्रेड तो कितना हो गया वन टू थ्री फोर कितने टाइम्स हमने हंड्रेड सेंटीमीटर लिखे फोर टाइम्स तो हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू फोर हंड्रेड सेंटीमीटर अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है एक मीटर वाला एक टैप लेना है ठीक है एक टैप लेना है टेप लेने के बाद आपको ग्राउंड में जाकर के इस प्रकार से एक नेल यानी कि एक जो कील है उसको कहीं पे कर देना है और वहाँ से स्केल की सहायता से प्रत्येक 50 सेंटीमीटर पे एक एक आपको इस प्रकार से लाइन लेते जाना है और वहाँ पे एक एक स्टूडेंट को खड़े करते जाना है उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है ठीक है तो इसको आप लोग खुद से करके देखिएगा आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसको हमको फ्ल फील करना है यानी कि भरना है थ्री मीटर थ्री मीटर मीन्स क्या होगा थ्री, थ्री मल्टीप्लाई हंड्रेड क्योंकि वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो थ्री मीटर्स कैसे निकालेंगे थ्री मल्टीप्लाई हंड्रेड करके तो कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर फाइव मीटर इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर फिर है एट मीटर एट मीटर क्या हो जाएगा एट मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा एट हंड्रेड सेंटीमीटर नाइन मीटर इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर सिक्स मीटर इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चलिए उसको देखते हैं रमा हैजाइव मीटरस एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर्स लॉन्ग क्लॉथ रमा के पास पाँच मीटर और पचहत्तर सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस मेजरमेंट इंटू सेंटीमीटर तो इस मेजरमेंट को आप सेंटीमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे ऐसा पूछा गया है तो रमा के पास कितना कितना मीटर कपड़ा है फाइव मीटर और सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर टोटल इतना है फाइव मीटर लिख लेंगे प्लस सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फाइव मीटर को क्या लिख सकते हैं फ़ाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर और सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर को सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर ही लिखेंगे फिर ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर ये हमारा आंसर था इसी प्रकार से यहाँ पे और क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम लोग कॉपी में बना करके देखेंगे इसमें फर्स्ट नंबर है फाइव मीटर एंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो फाइव मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो उसके लिए क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर हो जाएगा और ये ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो टोटल हो जाएगा हमारा फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसको किस प्रकार से ऐड किए यहाँ जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू फाइव का फाइव अगर आप लोगों को एडिशन नहीं आता है तो उसका मैं वीडियो डाल रखी हूँ उसको जा कर के देख लीजिएगा फिर सेकंड नंबर है सेवन मीटर एंड सेवेंटी फाइव एटी सेवन सेंटीमीटर तो सेवन मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे सेवन मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देंगे तो आ जाएगा सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस एट्टी सेवन सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेवन हंड्रेड एट्टी सेवन सेंटीमीटर अब तीसरा नंबर देखते हैं नाइन मीटर फाइव सेंटीमीटर नाइन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर का हो गया फाइव सेंटीमीटर तो टोटल हो जाएगा नाइन हंड्रेड फाइव सेंटीमीटर फोर्थ नंबर है फोर्टीन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर फोर्टीन मीटर को लिखेंगे फोटीन मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस फिफ्टी सेंटीमीटर तो हमारा आंसर आ जाएगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर अब फिफ्थ नंबर देखते हैं ट्वेंटी मीटर नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर ट्वेंटी मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो ये हो जाएगा टू थाउजेंड सेंटीमीटर प्लस नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर टू थाउजेंड नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर होगा आंसर सिक्स नंबर है ट्वेंटी वन मीटर ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर ट्वेंटी वन मीटर को लिखेंगे ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर दोनों को प्लस करेंगे तो सेवन प्लस जीरो हो गया सेवन टू प्लस जीरो हो गया टू वन का वन टू का टू आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा यहाँ पे हम लोग क्या किए जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें क्या करना है कन्वर्ट थर्टी सॉरी थ्री थाउ थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू मीटर यहाँ पे हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पे हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर क्या होगा हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये क्या हो गया वन टू थ्री तो ये हो गया थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर तो इसको हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है वन मीटर इसका भी वन मीटर हो जाएगा और इसका भी वन मीटर तो टोटल कितना हो गया वन टू एंड थ्री तो आंसर कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू थ्री मीटर्स इस प्रकार से यहाँ पे और भी दिए हुए हैं इसको हम लोग में बना करके देखेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है में बनाते हैं फिर यहाँ पे इसको इस प्रकार से भर लेंगे पहला है फोर हंड्रेड सेंटीमीटर तो फोर हंड्रेड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे सबसे पहले 400 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस हंड्रेड फोर है तो फोर टाइम्स 100 100 लिखेंगे अब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है वन मीटर यहाँ भी लिख लेंगे वन मीटर ये भी वन मीटर और ये भी वन मीटर तो टोटल कितना हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर तो ये हमारा हो जाएगा फोर मीटर फिर फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर कितना बार लिखेंगे फाइव टाइम्स लिखेंगे लिखेंगे फाइव टाइम्स क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पे फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर है अब देखिए हंड्रेड सेंटीमीटर को होता है वन मीटर और यहाँ पे कितना है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर तो वन मीटर कितने बार लिखेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइव मीटर्स फिर है सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे अब देखिए यहाँ जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या करना है 340 सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में भी यहाँ मीटर में भी ये आएगा और सेंटीमीटर में भी आएगा तो इस प्रकार से जब दिया होगा तो कैसे करेंगे देखिए पहले 340 सेंटीमीटर है तो 100 में कितना है थ्री है तो plus 100 सेंटीमीटर प्लस 100 प्लस 100 कितने टाइम्स से लेंगे थ्री टाइम्स क्योंकि यहाँ पे 100 वाले प्लेस पे क्या है थ्री है फिर देखिए यहाँ पे क्या है फोर्टी सेंटीमीटर तो फोर्टी सेंटीमीटर को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर ही क्या होता है वन मीटर बनता है लेकिन फोर्टी सेंटीमीटर हंड्रेड से कम है तो इससे वन सेंटीमीटर नहीं बनेगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे अब देखिए वन सेंटीमीटर को होता है सॉरी हंड्रेड सेंटीमीटर को होता है वन मीटर तो यहाँ पे कितने टाइम्स वन मीटर लिखेंगे थ्री टाइम्स क्योंकि यहाँ क्या है थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर है और फोर्टी सेंटीमीटर को फोर्टी सेंटीमीटर ही रहने देंगे ये हो गया वन टू एंड थ्री तो ये हो गया थ्री मीटर एंड फोर्टी सेंटीमीटर फिर इसी प्रकार से हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नाइन हंड्रेड थर्टी सेंटीमीटर तो हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर कितने टाइम्स होगा नाइन टाइम्स होगा तो लिख लेंगे नाइन टाइम्स उसके बाद लिख लेंगे थर्टी सेंटीमीटर अब हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है वन मीटर तो कितने टाइम्स वन मीटर लिखेंगे नाइन टाइम्स नाइन टाइम्स क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पे नाइन हंड्रेड थर्टी है मतलब हंड्रेड वाले प्लेस पे क्या है नाइन है यहाँ पे वन मीटर नाइन टाइम्स लिखेंगे प्लस थर्ंटी थर्टी सेंटीमीटर तो ये आंसर हो गया नाइन मीटर थर्टी सेंटीमीटर अब देखते हैं सिक्स नंबर ये है वन थाउजेंट वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो वन थाउजेंड है थाउजेंड वन थाउजेंट वन हंड्रेड यानी कि यहाँ पे वन थाउजेंट वन हंड्रेड है तो वन थाउजेंड वन हंड्रेड को कितना टाइम्स लिखेंगे इलेवन टाइम्स क्यों क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर होता है तो वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेंटीमीटर को कितना टाइम से लिखेंगे इलेवन टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन उसके बाद क्या लिखेंगे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए मीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ जो सेंटीमीटर में था इसको सेंटीमीटर में ही रहने दिए क्योंकि ट्वेंटी फाइव क्या है हंड्रेड से कम है और हंड्रेड सेंटीमीटर ही क्या होता है वन मीटर होता है उससे नीचे वाला जो भी होता है उसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा एलेवन मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर आगे हैं सम लाइंस एंड डायग्राम्स आर गिवन बिलो यहाँ पे कुछ लाइंस और कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं मेजर देयर लेंथ विद द हेल्प ऑफ योर स्मॉल स्केल तो आपको अपने छोटे से स्केल की सहायता से इसको मेजर uh, करना है और लिखना है तो इस स्केल को यहाँ से यहाँ तक लेंगे और ये जितना सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे लिख लेंगे जैसे कि देखिए ये हमारा स्केल है तो आपका स्केल अगर छोटा सा होगा तो उसमें भी देख करके के लिख सकते हैं तो इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा है स्केल से बट ये कितना होगा वन सें ये होगा फोर सेंटीमीटर कितना है ये फोर सेंटीमीटर तो इसी प्रकार से जो सारी चीज़ें हैं उसको मेजरमेंट कर लेंगे ये है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इस प्रकार से इन सबको आप लोग मेजरमेंट करके लिखिएगा हाउ टू ऐड किस प्रकार से ऐड करते हैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल रितास हाउस इज फोर्टी टू मीटर्स एंड थर्टी फाइव सेंटीमीटर फार फ्रॉम द वेल रेखास हाउस इज ट्वेंटी फाइव मीटर फोटी सेंटीमीटर्स फ्रॉम रीतास हाउस हाउ फॉर इज रेखास हाउस फ्रॉम द वेल मतलब ये जो कुयाँ है कुआँ है, यानी कि जो वेल है यहाँ से रीता का हाउस है 42 टू मीटर्स एंड थर्टी फाइव सेंटीमीटर और इसका मीटर इसका रेखा का जो हाउस है वो रीता के हाउस से ट्वेंटी फाइव मीटर्स फोर्टी सेंटीमीटर है कि दूरी पे है तो हमको क्या बताना है कि यहाँ जो वेल है यहाँ से रेखा के हाउस का कुल लेंथ कितना है तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा फोर्टी टू मीटर्स थर्टी फाइव सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी फाइव मीटर्स फोर्टी सेंटीमीटर तो पहले हम लोग इस साइड से इसको प्लस करते आएंगे तो सेंटीमीटर के यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिख देंगे फ़ाइव प्लस ज़ीरो हो जाएगा फ़ाइव थ्री प्लस फोर हो जाएगा सेवन मीटर का मीटर लिख देंगे टू प्लस फाइव हो जाएगा सेवन और फोर प्लस टू हो जाएगा सिक्स तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी सेवन मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फिर और एक्सरसाइज दिया हुआ है इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्वेल्व मीटर फोर्टी सेंटीमीटर और ट्वेंटी फाइव मीटर ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखेंगे जीरो प्लस सेवन होता है सेवन फोर प्लस टू होता है सिक्स और यहाँ पे मीटर का मीटर लिखेंगे टू प्लस फाइव का होगा सेवन वन प्लस टू का होगा थ्री इस प्रकार से इन चारों को हम लोग ऐड कर लेंगे उसके बाद है गैस द सम तो ये जो सम है इसको पहले गैस करना है उसके बाद कॉपी में बना करके देखना है तो पहले आप लोग इसको गैस कीजिए फिर उसके बाद इसको कॉपी में बना करके देखेंगे कि जो गैस किए हैं वो सही है कि नहीं चलिए अब देखते हैं कि जो हमने गैस किया था वो सही है कि नहीं फर्स्ट अब फोर्टी टू मीटर थर्टी फाइव सेंटीमीटर प्लस फिफ्टी सेवन मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसको इस प्रकार से जमा करके लिख लें इसको लिखेंगे फिर नीचे में इसको लिखेंगे चलिए अब इसको प्लस करते हैं फाइव प्लस जीरो का हो जाएगा फाइव थ्री प्लस टू का हो जाएगा फ़ाइव यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे मीटर का मीटर लिखेंगे टू प्लस सेवन का होता है नाइन तो नाइन लिखेंगे फोर प्लस फाइव हो जाएगा नाइन तो ये हो जाएगा नाइन्टी नाइन मीटर फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर फिर सेकेंड नंबर है सिक्सटी फोर मीटर ट्वेंटी वन सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी सेवन मीटर फोटी नाइन सेंटीमीटर तो इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस नाइन का हो जाएगा टेन टेन का लिखेंगे ज़ीरो कैरी में आ गया वन टू प्लस फोर हो गया सिक्स सिक्स प्लस वन हो जाएगा सेवन तो हो जाएगा सेवेंटी सेंटीमीटर मीटर का लिख देंगे मीटर फोर प्लस सेवन हो जाएगा इलेवन इलेवन का लिखेंगे वन कैरी में आ गया वन वन प्लस सिक्स हो गया सेवन सेवन प्लस टू हो जाएगा नाइन तो हो जाएगा नाइन्टी वन मीटर सेवेंटी सेंटीमीटर फिर थर्ड नंबर है ट्वेंटी फाइव मीटर थर्टी वन सेंटीमीटर प्लस सिक्सटी फाइव मीटर ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि आपने गैस क्या किया था और इस प्रकार से एड करने के बाद आपका आंसर क्या आया इसको कमेंट करके बताइएगा देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिया हुआ है चलिए इसको भी समझते हैं मोनास हाउस इज़ जिस प्रकार से वहाँ पढ़ रहे थे उसी उस प्रकार से है मोनास हाउस इज़ ट्वेंटी फाइव मीटर्स एंड नाइन्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द वे मोना का हाउस जो है वो कुएं से ट्वेंटी फाइव मीटर नाइन्टी सेंटीमीटर दूरी पे है अशिफाज हाउस इज़ थर्टी सेवन मीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम मोनास हाउस वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ आसिफ हाउस फ्रॉम द वेल और जो आसिफ है उसका जो हाउस है वो मोना के सॉरी मोहंस ये मोहंस है मैंने मोना कह दिया मोहन के हाउस से कितना दूरी पे है थर्टी सेवन सेंटी थर्टी सेवन मीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर की दूरी पे है तो आ, ये जो आसिफ का हाउस है और जो वो वेल है इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव मीटर्स नाइन्टी सेंटीमीटर लिखेंगे फिर लिखेंगे थर्टी सेवन मीटर्स सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर्स अब इसको कर देंगे प्लस जीरो और फाइव का हो जाएगा फाइव नाइन प्लस सिक्स हो जाएगा फिफ्टीन तो यहाँ पे हम लोग फिफ्टीन इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है वन मीटर्स होता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 55 होगा और ये वन मीटर 55 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये वन मीटर क्या हो जाएगा इस साइड कैरी में इस प्रकार से लिख सकते हैं फाइव प्लस सेवन कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन कितना हो जाएगा थर्टीन तो ये हो जाएगा इस प्रकार से सिक्सटी थ्री यहाँ पर थ्री हो जाएगा यहाँ पे ट्वेल्व का टू लिखना था लेकिन यहाँ इस इस साइड का क्या हो गया वन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्टीन थर्टीन का लिखेंगे थ्री कैरी में आ गया वन फिर वन प्लस टू हो जाएगा थ्री थ्री प्लस थ्री का सिक्स इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो इसको कॉपी में करके देखते हैं और उसके बाद ये जो एडिशन है इसको भी कॉपी में करके देखेंगे इसमें क्या है देखिए यहाँ पे मिलीमीटर mm और सेंटीमीटर के को क्या ऐड करने के लिए दिया हुआ है पहले है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर नाइन मिलीमीटर और यहाँ पे है ट्वेल्व सेंटीमीटर सेवन मिलीमीटर अब देखिए हंड्रेड मिलीमीटर इज़ इक्वल टू वन सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पे नाइन प्लस सेवन हो गया सिक्सटीन मिलीमीटर mm, और फाइव प्लस टू का हो गया सेवन और फोर प्लस वन हो गया फाइव तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी सेवन सेंटीमीटर प्लस सिक्सटीन मिलीमीटर सॉरी मैंने यहाँ बोल दिया था कि हंड्रेड मिलीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर होता है जबकि टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर होता है ठीक है तो सिक्सटीन मिलीमीटर mm बराबर कितना हो जाएगा वन सेंटीमीटर और सिक्स मिलीमीटर mm. ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सिक्सटीन में क्या है एक सिक्स है और एक टेन है तो टेन वन टेन टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है वन सेंटीमीटर तो यहाँ सिक्सटीन में क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर प्लस सिक्सटीन मिलीमीटर मीटर सिक्स तो ये हो जाएगा फिफ्टी एट सेंटीमीटर प्लस सिक्स मिलीमीटर तो इसको भी ऐड करके देखेंगे पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करके देखेंगे चलिए इसको करके देखते हैं फर्स्ट गैस देन ऐड द एंसर फर्स्ट आप लोग इसको गैस करके देखिए उसके बाद इसको बना करके देखेंगे चलिए पहला नंबर देखते हैं फोर्टी थ्री मीटर्स फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड थर्टी टू मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इसको ऐड करना है सेंटीमीटर का लिख देंगे सेंटीमीटर फाइव प्लस फाइव कितना हो जाएगा टेन टेन का लिखेंगे जीरो कैरी में आ गया वन वन प्लस फोर हो गया फाइव फाइव प्लस सेवन हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व का लिखेंगे टू कैरी में आ गया वन थ्री प्लस टू हो गया फाइव फाइव प्लस वन सिक्स फोर प्लस थ्री हो जाएगा सेवन तो आंसर कितना आ जाएगा सेवेंटी सिक्स मीटर्स ट्वेंटी सेंटीमीटर फिर है ट्वेंटी सिक्स मीटर्स एट्टी फाइव सेंटीमीटर एंड एटीन मीटर्स थर्टी फाइव सेंटीमीटर तो इसको जब प्लस करेंगे तो फाइव फाइव हो गया टेन कैरी में आ गया वन वन प्लस एट हो गया नाइन नाइन प्लस थ्री हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व को लिखेंगे टू कैरी में आ गया वन कैरी में वन क्यों गया क्योंकि यहाँ पे वन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्योंकि हम जानते हैं कि हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है वन मीटर तो यहाँ अगर हम लोग 120 सेंटीमीटर भी लिख लें तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तो इससे अच्छा तो यही है कि वन कोई साइड हम लोग कैरी कर दें सिक्स प्लस वन हो गया 7 7 प्लस एट हो जाएगा 15 15 का लिखेंगे फाइव कैरी में आ गया वन वन प्लस टू हो जाएगा थ्री थ्री प्लस वन फोर इसी प्रकार से हम लोग इन दोनों को भी देख लेंगे फिर आगे ऐड करने के लिए दिया हुआ है जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच ऐड करना है तो देखिए हमने सीखा कि टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है वन सेंटीमीटर और हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है वन मीटर ये मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है ये सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म और ये मीटर का शॉर्ट फॉर्म ठीक है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर थ्री मीटर एंड एटीन सेंटीमीटर सिक्स मीटर सिक्स मिलीमीटर इसको क्या करना है हमको ऐड करना है थ्री प्लस सिक्स कितना हो जाएगा नाइन तो नाइन मिलीमीटर mm. सेंटीमीटर लिख देंगे इस प्रकार से फाइव प्लस एट हो जाएगा थर्टीन थर्टीन का लिखेंगे थ्री कैरी में आ गया वन वन प्लस फोर हो जाएगा फाइव फाइव प्लस वन सिक्स तो ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री सेंटीमीटर नाइन मिलीमीटर अब सेकंड नंबर देखते हैं 86 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर mm, एंड 53 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर mm. तो इस प्रकार से इसको लाइन से जमा करके लिखेंगे 7 प्लस एट हो जाएगा 15 तो 15 का हम लोग यहाँ सिर्फ फाइव लिखेंगे क्यों क्योंकि फिफ्टीन सें मिली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर फाइव मिलीमीटर क्योंकि हम क्या जानते हैं कि टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है वन सेंटीमीटर तो इसलिए ये वन इस साइड कैरी पे आ जाएगा तो कैरी पे यहाँ पे वन लिख देंगे तो सिक्स प्लस वन हो गया सेवन सेवन प्लस थ्री हो गया टेन टेन का जीरो कैरी में वन वन प्लस एट हो गया नाइन नाइन प्लस फाइव हो गया फोर्टीन तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर फाइव मिलीमीटर अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नाइन सेंटीमीटर फाइव मिलीमीटर एंड ट्वेंटी एट सेंटीमीटर फाइव मिलीमीटर इसको आप लोग खुद से बनाइएगा और ये फोर्थ नंबर जो है सिक्सटी एट सेंटीमीटर फाइव सॉरी फोर मिलीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर नाइन मिलीमीटर इन दोनों को आप लोग खुद से बना करके कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड और फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू